Hello, my dear friends. I am here on my channel of Biology Concept. I think you all are familiar with me and my videos. And you all know we are discussing this video series for basically class 10th students. And nowadays I am focusing on photosynthesis. And in this video, I am going to tell you a very important topic, students. That is a comparative view between respiration and photosynthesis. आप सभी को पता है कि photosynthesis और respiration दोनों process plants में ही होते हैं. और अगर हम animal cell की बात करें तो respiration तो होगा, लेकिन photosynthesis नाम का कोई process students नहीं होता है animal cell. तो photosynthesis की बात करते हैं हम लोग. पहला point अगर मैं photosynthesis के regarding students आपको बताऊं, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ये anabolic process है. और एनाबॉलिक का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, आप सभी को पता है जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. तो कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. कैटा का मतलब काटना, तोड़ना, टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन. आप सबको पता है हम लोग रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लूकोज को टू रिलीज एनर्जी, और एनाबॉलिक में हम लोग बिल्डिंग अप कर रहे हैं, टू बिल्ड अप. हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग मतलब प्लांट्स क्या बना रहे हैं अपने लिए, फूड बना रहे हैं. तो एना का मतलब टू बिल्ड अप और कैटा का मतलब टू ब्रेक डाउन. और आप सबको पता है यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस में प्लांट क्या बना रहा है, आप सबको मैंने इक्वेशन बताई हुई है ग्रुप फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 + 6 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, C6H12O6 + 6H2O + 6O2. यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यहाँ पे आप क्लोरोफिल और सनलाइट लिख सकते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जरा रेस्पिरेशन की बात करते हैं. तो रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस से बनाया है C6H12O6 + 6O2 को हम लोग 6CO2 + 6H2O + वॉटर या प्लस एनर्जी, वॉटर तो लिख ही चुके हैं स्टूडेंट्स हम लोग. तो आप देख सकते हैं जो प्रोसेस हम लोगों ने जो ग्लूकोज यहाँ पे बनाया, उसी ग्लूकोज को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन प्रोसेस. मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होगा. और यहाँ फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है स्टोर होती है, एनर्जी इज स्टोर्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एटीपी बना रहे होते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज की जाएगी, एनर्जी इज रिलीज्ड. अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे फूड की सिंथेसिस हो रही है, तो प्लांट का जो ड्राई वेट है, ड्राई वेट प्लांट का क्या होगा स्टूडेंट्स, ड्राई वेट ऑफ प्लांट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मुझे लगता है यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए. क्यों, क्योंकि आप सभी लोग समझ रहे होंगे इस पॉइंट को कि यहाँ पे फूड बना रहे हैं तो वेट बढ़ेगा, और यहाँ पे जो ड्राई वेट है स्टूडेंट्स वो घट जाएगा प्लांट्स. लाइट की अगर हम लोग बात करें तो लाइट यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन, लाइट इज नेसेसरी. ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे, और यहाँ पे लाइट कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये कभी भी हो सकती है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर, नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर. और अगर हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस में, तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो ऑक्सीजन, एटीपी और ग्लूकोज. यहाँ पे हम लोग एटीपी की सिंथेसिस कर रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है एंड प्रोडक्ट आपको दिख रहा है इक्वेशन में, वाटर बन रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है एंड CO2 रिलीज होगा, और यहाँ पे हम लोग एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एनर्जी इज रिलीज एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. और एटीपी आप सबको पता है दे आर एक्टिंग एज एनर्जी करेंसी एंड दे आर नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, और ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका एक जो बेसिक कंसेप्ट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को लेकर ये क्लियर हो गया होगा. और अब स्टूडेंट्स हमारा फोटोसिंथेसिस जो यूनिट था
जो कि हम लोग लास्ट वीडियो से कई सारे मैंने वीडियोस डाले, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग हमारा अगला वीडियो होगा स्टूडेंट्स फाइटो हार्मोन्स पे, कि हम लोग कह सकते हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का चैप्टर जो आईसीएसई बोर्ड में दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। या तो हम लोग एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे, ऐसा कह सकते हैं वहाँ पे प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्लांट के जो भी हार्मोन्स हैं फाइटो हार्मोन्स, और एक हम ट्रॉपिक मूवमेंट, दो पार्ट में उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपको सारे वीडियोज हमारे मिलेंगे, तो बी अपडेटेड विद माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन सब्सक्राइब राइट नाउ, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मोर एज पॉसिबल। So, thank you friends for your continuous support and listening me. Bye bye, take care.